हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे दोस्तों, मेरा जो है वो सिलेक्शन हो चुका है मैक्सिकस में। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं आप बहुत दिन से आपको सोचा था कि मैं एक वीडियो बनाऊंगा, तो फाइनली जो मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ कि हमारा जो मेरा है खुद का, मैं बता रहा हूँ मेरा सिलेक्शन हो चुका है मैक्सिकस में। और मुझे जो है पूरे 1 मंथ हो गए हैं मैक्सिकस कंपनी में। मेरा जो कंपनी का नाम है वो है मैक्सिकस, और जो प्रोसेस का नाम है वो है एलन। जिस तरह आपने कंपनी का नाम सुना होगा, बायजूस, अर्न एकेडमी, फिजिक्स वाला, आकाश, फिर उसी तरह का कंपनी है मैक्सिकस, सॉरी माफ कीजिएगा, एलन। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो है मेरा सिलेक्शन प्रोसेस कैसे हुआ, क्या मुझे सैलरी कंपनी प्रोवाइड करती है, क्या वर्किंग डेज होता है, क्या वर्किंग आवर्स होते हैं, क्या वीक ऑफ डेज होती है, क्या सैलरी मेरी है, क्या सैलरी डेट होता है, मैं टोटल इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो मैं आपको सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि हमारी जो ज्वाइनिंग डेट थी वो 29th अराउंड लगभग थी। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि वैसे कैंडिडेट जो कि मैक्सिकस में जॉब करना चाहते हैं तो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, बहुत अच्छी कंपनी है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि एलन जो प्रोसेस है वो काफ़ी अच्छा, वो भी बहुत अच्छा प्रोसेस है। प्लस क्या है कि मेरे पास 1 मंथ का एक्सपीरियंस है, तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि कैसे जो है वहाँ पे वर्क होते हैं, क्या वर्क प्रेशर होता है, क्या वर्किंग डेज होते हैं, क्या वर्किंग आवर्स होते हैं, क्या इंटरव्यू प्रोसेस होता है। मैं टोटल चीज़ स्टेप बाय स्टेप आपको कवर कर रहा हूँ। अगर आप मेरे वीडियो को मतलब ऐसा वॉच कर रहे हैं जो आप बिल्कुल फ्रेशर हैं, या फिर वैसे भी कोई ऑडियंस वॉच कर रहे हैं जो कि एक्सपीरियंस है, आपने पहले भी किसी कंपनी में जॉब करके रखा है, तो बिल्कुल ये वीडियो जो है आपको काम आने वाला है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि जैसे मैक्सिकस जो है वो कंपनी है, और जो प्रोसेस मेरा था वो एलन था। जब मेरी इंटरव्यू कंडक्ट की गई तो वहाँ से मेरे सिर्फ 2 राउंड हुए। फर्स्ट राउंड में पूछा गया टेल मी अबाउट योर सेल्फ प्लस एलन के बारे में क्या जानते हो। एलन के बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता था, 0 जानता था। लेकिन मुझे थोड़ा गूगल में मैंने पढ़ा, थोड़ा चैट जीपीटी का मैंने सहारा लिया, क्योंकि हमें पता था कि एलन के बारे में अगर नहीं जानेंगे, अगर इंटरव्यूअर पूछता है तो कैसे बताएंगे, क्योंकि ये टोटली सेल्स प्रोफाइल था, मुझे ये बात का नॉलेज था। जब हमारी सेकेंड इंटरव्यू हुई जो कि एचआर, जो कि क्लाइंट एचआर ने लिया, उन्हें पूछा कि आप कितने एक्सपीरियंस हो, आप क्या क्या काम किए हो पहले, सारा टोटल इंग्लिश में या हिंदी में जो लैंग्वेज में आपका कंफर्टेबल है वो बताइए। मैंने सारे चीज़ उनके साथ डिस्कस किया। उन्होंने एक लास्ट क्वेश्चन पूछा कि ये पेन है कैसे सेल करोगे बताओ। मैंने ये बोला कि सर पेन जो है वो पेन की क्वालिटी, पेन की क्वांटिटी, पेन की प्राइस, पेन हम क्यों खरीदें, ये सारे चीज़ वहाँ पे डिपेंड करता है। और उनको मेरा कॉन्फिडेंस काफ़ी अच्छा लगा, देयर आफ्टर दे विल सेलेक्ट मी, वो मुझे सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद क्या हुआ कि हमारी जो है एग्ज़ाम में कॉल आती है कि कॉन्ग्रेचुलेशन आबिद, यू आर सिलेक्टेड फॉर द मैक्सिकस एंड एलन प्रोसेस। तो हम बोले चलो ठीक है भाई, अब मान लीजिए जॉब हो गई तो चलो करके देखता हूँ कैसी कंपनी है, क्या प्रोसेस है। कभी मैंने सेल्स का कोई एक्सपीरियंस नहीं था हमारे पास कि सेल्स में रियल में होता क्या है। तो मैंने कंपनी ज्वाइन कर ली। कंपनी ज्वाइन करने के बाद हमारा ट्रेनिंग चला, ट्रेनिंग अराउंड 1 वीक और 9 to 10 डेज चला। जब मेरी ट्रेनिंग चल रही थी तो मुझे जो है वो रोजा का टाइम था, तो उस समय थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लम होता था राइट रोजा खोलने में, लेकिन मैं रोजा रखता नहीं था ऐसे, बट कभी कभी रख लेता था। तो वट एवर जो भी है, 8-9 डेज जो है वो मेरा ट्रेनिंग चला। ट्रेनिंग के बाद मैं मेन जो है हमारा काम था एलन के जो कोर्स होते हैं, चाहे वो नीट का कोर्स हो या फिर आप जेई का कोर्स हो या फिर 6 to 10 के जो कोर्सेस होते हैं उनको सेल करना होता था। तो मुझे पता लगा शुरू में कि ये शायद सेल्स प्रोफाइल रहेगा या नहीं रहेगा, मुझे एक चीज़ का कन्फ्यूज़न था, लेकिन आफ्टर हैविंग 1 मंथ एक्सपीरियंस ये टोटली सेल्स प्रोफाइल था और मुझे सेल करना पड़ता था। बट ह्यूज प्रेशर नहीं है, अगर मैं इस बात को अगर डेफिनेशन दूँ तो देर इज़ नो ह्यूज प्रेशर। आपके मेरे जो TL हैं, मेरे जो मैनेजर हैं या मेरे जो ट्रेनर थे, काफ़ी अच्छे थे, काफ़ी इनका बिहेवियर अच्छा था। हमारा जो ब्रांच था वो वडोदरा ब्रांच है, तो ये सारी चीज़ काफ़ी अच्छा लगा मुझे। वर्किंग डेज 6 डेज करना पड़ता है, वर्किंग आवर्स मेरा 8 आवर्स है जो कि जनरल शिफ्ट है, मुझे 10 बजे लॉगिन करनी पड़ती है और 7 बजे मेरी छुट्टी हो जाती है। वीक ऑफ डेज रोटेशनल वीक ऑफ डेज होता है जो हमारे TL के ऊपर डिपेंड करता है, तो हम TL को इन्फॉर्म करते हैं कि सर मुझे इस दिन छुट्टी चाहिए, या TL खुद हमें इन्फॉर्म करता है अब इसके दिन छुट्टी चाहिए, तो वहाँ पर हमको छुट्टी दे दी जाती है। प्लस क्या है, वर्क कल्चर बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा ह्यूज प्रेशर नहीं दिया जाता है बच्चे को, मतलब बच्चे मतलब जो हमारे जो ऑडियंस है कैंडिडेट है उनको, बच्चे उन लोगों की भाषा में बोलते हैं, दिल्ली गुड़गांव की लैंग्वेज में अगर मैं बात कर लूँ तो। और प्लस क्या है कि मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि जैसे मान लीजिए अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं या फिर बिल्कुल एक्सपीरियंस है, तो अगर आप चाहते हैं कि महीने के 15-20 हज़ार रुपये अर्न हो, वर्क फ्रॉम होम, मोस्टली जो है फीमेल्स के लिए मैं बता रहा हूँ,
तो एज जो क्राइटेरिया सेल्स प्रोफाइल में दिया जाता है वो 18 से 35 साल का। मैं किसी पर्टिकुलर कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जिनकी एज क्राइटेरिया 18 से 35 साल तक रहती है, तो बिल्कुल वहाँ पे वो अप्लाई कर सकते हैं, कोई इशू बात नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है दोस्तों कि मान लीजिए जॉब आप सर्च कर रहे हैं पैन इंडिया से, वर्क फ्रॉम होम में अगर आपको 18,000 CTC कंपनी अगर दे रही है या 20,000 CTC कंपनी दे रही है तो कोई बुरी बात नहीं है। 8 घंटे का नेट लॉगिन आपको करना है, उसमें से भी मान लीजिए अगर कोई काम वगैरह पड़ गया तो 6.5 घंटा या 7 घंटा ये लॉगिन करेंगे तो अपने टीएल को इन्फॉर्म कर देते हैं तो हो जाता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ऐसे करने से प्रॉब्लम ये होती है कि उसका हाफ डे काउंट हो जाता है और हाफ डे काउंट होने के कारण आपकी सैलरी कट सकती है, मैं आपको इन्फॉर्म कर दे रहा हूँ। तो ये सब सारी चीज़ जो है बातें जो है आपको ध्यान में रखना है कि जो भी नेट लॉगिन करना है इसको अच्छे से नेट लॉगिन करनी है ताकि सैलरी का इश्यूज नहीं हो। दूसरी सबसे बड़ी बात मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप जो है जॉब सर्च कर रहे हैं पैन इंडिया लोकेशन के लिए तो मेरी वीडियो को काफ़ी अच्छे तरीके से वॉच कीजिएगा ताकि आपको ये समझे कि हमारा एक मिशन है कि इंडिया में कोई भी अनएम्प्लॉयड ना रहे, और हमारा चैनल का भी यही मिशन है। हमारे चैनल में लगभग 9,720 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर चुके हैं और थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए, 280 सब्सक्राइबर चाहिए जो कि 10,000 कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि हमारा जो कॉन्टैक्ट रहे काफ़ी अच्छे अच्छे कंपनी के HR से रहे, वहाँ मैं हायरिंग करवाऊँ। मैं कोशिश करता हूँ कि हर महीने जो है हमारे बंदे का सिलेक्शन हो, क्योंकि सिलेक्शन कराना ही हमारा काम है। अगर सिलेक्शन नहीं हो पाया तो हमारा वीडियो बनाने का कोई मकसद ही नहीं बच जाता। मेरा मेन काम है बंदे का सिलेक्शन होना चाहिए, वो चाहे 2 सिलेक्शन हो 5 सिलेक्शन हो या महीने का 10 सिलेक्शन हो, लेकिन सिलेक्शन हमको चाहिए किसी भी तरह। ये चीज़ हमारा मोटिव रहता है। आप लोग भी थोड़ा एक्टिव रहा कीजिए, आज की डेट पे इंग्लिश लैंग्वेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात कर लूँ, क्योंकि मेरे बहुत HR से बात होती है, वो बोलते हैं कैसा कैंडिडेट देते हो, इंग्लिश कम्युनिकेशन कोई भी उठा के कॉल कर देता है। इसका कहने का मतलब है कि कैंडिडेट वही कॉल करे जिनकी इंग्लिश अच्छी है, जो एक्सपीरियंस है, चीज़ों को समझता है। ऐसा नहीं कि वो बंदा एक्टिव ही नहीं है, आप वो कॉल कर दिए सर हायरिंग चल रही है कि नहीं, ये क्या मतलब है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, प्रोफेशनली यूज़ आपको करना है, प्रोफेशनली वर्ड यूज़ करना है, क्योंकि वहाँ आपको कंपनी जॉब प्रोवाइड कर रही है। तो इस बात का आप ध्यान रखें, काफ़ी ध्यान रखें, ताकि आप जो है यहाँ पे प्रोग्रेस कर सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात, मैं एक और बात कहना चाहूँगा कि अगर आप जॉब सर्च कर रहे हैं इंडिया में और ये चाहते हैं कि आप मुझे एक अच्छी जॉब प्राप्त कर ले, तो पहले जो है एक छोटी कंपनी से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि डायरेक्ट जो आपको 50,000 महीने की सैलरी नहीं मिलने वाली है। आपको पहले जो स्टार्टिंग जो है वो छोटी कंपनी से ही करना होगा, उसके बाद हो सकता है कि आपकी प्रमोशन हो। बहुत सारे ऐसे हमारे ऑडियंस हैं जिनका आज अच्छी कंपनी में सिलेक्शन हो चुका है, पहले स्टार्टिंग किए तो फ्यूजन से, स्टार्टिंग किए तो स्टार्टअप से, आज वो TCS में है, TTech में है, जहाँ उनकी सैलरी एज अ TL पोस्ट पे है 50,000 है, या मैनेजर पोस्ट पे है 50,000 है, 55,000 है, इस तरह की सैलरी पैकेज पे उन लोग आज भी वर्क कर रहे हैं। तो ये सी चीज़ पे आपको नोटिफाई करना है, आपको पहले स्टार्ट करना है एज अ फ्रेशर, उसके बाद धीरे धीरे काउंट करनी है, धीरे धीरे प्रमोशन लेनी है, धीरे धीरे जो है आप यहाँ पे इम्प्रूवमेंट करना है, और धीरे धीरे चीज़ें काम करती हैं, वर्क करती हैं, बस आपको इस पर काम करना है दोस्तों। तो मैं वीडियो को ज़्यादा लेंदी बनाना नहीं चाहता, बस मैं ये बताना चाहता हूँ दोस्तों कि आप जो है काफ़ी अच्छे से मेहनत करें, और अगर आप BPO सेक्टर में अपनी करियर बिल्ड करना चाहते हैं, या BPO सेक्टर बहुत तरीके से काम करता है, अगर मैं बात कर लूँ कि आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपकी पैसे की प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल इशू है, BPO सेक्टर के लिए हमेशा आपका द्वार खुला हुआ रहेगा। आप सेल्स प्रोफाइल में जाना चाहते हैं, उसके लिए भी आपका ओपन रहेगा हमेशा रास्ता। दूसरी चीज़ है कि आप यहाँ चाहते हैं कि मैं अपना कैरियर बिल्ड करूँ, तो आप एज अ TL बन सकते हैं, अपना एग्जाम दे के, IGP दे के, TL से फिर आप ऊपर जा सकते हैं, मैनेजर बन सकते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर कहना चाहूँगा कि कोई भी सेक्टर प्राइवेट सेक्टर में आपको वर्क प्रेशर रहेगा ही रहेगा, आप प्रेशर से भाग नहीं सकते कि बहुत ज़्यादा चाप है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर मेहनत है, ऐसा आप नहीं बोल सकते, क्योंकि काम आपको करना ही करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ का यहाँ पर मतलब बनता है दोस्तों। तो वैसे कैंडिडेट जो कि मुझे वॉच कर रहे हैं, वैसे ऑडियंस जो मुझे वॉच कर रहे हैं, काइंडली जो है अभी मैं बताना चाहूँगा, मैक्सिकस हायर कर रही है, कोलकाता ब्रांच से भी हायरिंग चल रही है, वडोदरा ब्रांच से भी हायरिंग चल रही है। तो वैसे कैंडिडेट जो कि अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई कर सकते हैं, हायरिंग अभी चल रही है, और मेरा जो है मेरा ऑलरेडी सिलेक्शन हो चुका है। जैसे इसकी सैलरी डेट होती है मैं आपको बता देता हूँ, आज ही की डेट जो है 30 मई के डेट में ही आपको, मई नहीं, लास्ट जो एंड ऑफ द मंथ है वो सैलरी आपको क्रेडिट कर दी जाएगी। प्लस क्या है दोस्तों कि यहाँ पे एक चीज़ और है, जैसे मान लीजिए कि जो बंदे हैं जो कि अप्लाई करना चाहते हैं पैन इंडिया से वर्क फ्रॉम होम के लिए, वो वर्क फ्रॉम होम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मेरी जो जॉब लगी वो कॉन्ट्रैक्ट पे जॉब है, 90 डेज के बाद जो है
कंपनी जो है हो सकता मुझे आउट कर दे, या फिर अगर मेरी परफॉर्मेंस अच्छी रही तो कंटिन्यू जा सकते। ये दोनों चीज़ें जो बात है मैं क्लियर बता दे रहा हूँ आपको। तो फिलहाल जो है वैसे कैंडिडेट जो कि जॉब सर्च कर रहे हैं अप्लाई कर सकते हैं, हायरिंग चल रही है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दिल से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।